अस्सलाम वालेकुम। इफ़ यू आर अ बिगनर मस्ट वॉच दिस वीडियो। हम आपको सिखाएंगे कि आप मोबाइल को यूज़ करते हुए हाई क्वालिटी इमेजेस कैसे बना सकते हैं। इंस्टॉल द कैनवा ऐप इन योर मोबाइल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कैनवा ऐप में हर तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि उन टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप एक न्यू पोस्ट अपने क्रिएशन के मुताबिक कैसे बना सकते हैं। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। ये नहीं कि इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए आपने फेसबुक का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। एक और बात का ख्याल रखें कि कैनवा यूज़ करते हुए आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस टेम्पलेट के मोबाइल आइकॉन पे आप देख सकते हैं कि रिमूव वाटरमार्क लिखा हुआ है। ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट फ्रेम करने से ना सिर्फ इमेज रिमूव होगी बल्कि ये पूरा आइकॉन रिमूव हो जाएगा। इस टेम्पलेट में कुछ शेप्स इंसर्ट की गई हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको रिप्लेस करके न्यू शेप्स को ऐड करें, तो आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक शेप को सिलेक्ट करके चेंज ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी ऑरेंज कलर की यहाँ पे शेप्स हैं वो सब आपके सिलेक्टेड कलर में हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शेप्स डिस्टर्ब ना हो तो आप लॉक कर सकते हैं। आप डिफरेंट शेप्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं ताकि आप जब भी एक शेप को मूव करें तो बाकी सब भी वो उसके साथ मूव हों। ये एप्लीकेशन आप ना सिर्फ अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फ्रीलांसर हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए एज अ बिगनर अर्निंग कर सकते हैं। अपलोड का ऑप्शन यूज़ करते हुए अपलोड मीडिया पे क्लिक करके आप फ़ोटोज़ और इमेजेस अपनी गैलरी से कैनवा एप्लीकेशन पे अपलोड कर सकते हैं ताकि आप ये डिफरेंट डिज़ाइन पे यूज़ कर सकें। अपलोड की गई इमेज को चेंज करने के लिए रीप्लेस पे क्लिक करें। आप किसी भी एलिमेंट को अगर लॉक करेंगे तो वो वहाँ से मूव नहीं होगा जब तक आप उसको अनलॉक ना करें। आप डेली कैनवा एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस ज़रूर करें। एज अ बिगनर इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। आप अपना डिज़ायरेबल आइकॉन भी सर्च कर सकते हैं या कोई भी शेप जो आपको डिज़ायरेबल हो। किसी भी शेप को आप एडिट कर सकते हैं, उसका कलर, उसका साइज़, हर चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। जब आप कोई शेप या इमेज सेलेक्ट करेंगे तो उसके आगे डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे स्क्रीन पर। अगर आप सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इमेज बैकग्राउंड में चली जाएगी। सेंड फॉरवर्ड में क्लिक करेंगे तो इमेज बिल्कुल विजिबल हो जाएगी। कैनवा पे कुछ एलिमेंट्स पेड हैं और कुछ अनपेड हैं। जिनके आगे प्रो लिखा होता है वो आप पेड के बगैर यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप फ्री इमेजेस यूज़ करें। यहाँ भी आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड का ऑप्शन देख सकते हैं। कैनवा को यूज़ करते हुए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मदद करती है कि आप इससे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप लर्निंग के थ्रू अर्निंग भी कर सकते हैं, या ऐसा कह लें कि आप अर्निंग के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। आप दिए गए टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और इवन फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं।
अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको अंडू कर सकते हैं। कैनवा एप्लीकेशन इजी टू यूज़ है। फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करें। फॉर्मेट ऑप्शन से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करें या अलाइनमेंट सेट करें। इसमें एक और ऑप्शन स्पेसिंग का है। स्पेसिंग के थ्रू आप लेटर में स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और लाइन स्पेसिंग के थ्रू आप टू लाइंस के दरमियान स्पेसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप एक टेक्स्ट पे डिफरेंट इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस टेम्पलेट पे आपको बैकग्राउंड में एक लाइट कलर्ड इमेज नज़र आ रही है। कैनवा में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको यूज़ करते हुए आप इमेज को ऐसे लाइट कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, भले वो इमेज बैकवर्ड में हो या फॉरवर्ड में हो। ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप अपनी मर्ज़ी की ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। फ्लिप ऑप्शन। इमेज को सेव करने के लिए आप सेव आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आपकी इमेज सेव नहीं होगी। आपको बिला ज़रूरत वेट करना पड़ेगा। और इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा, इसलिए पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक करें। सेव ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आप एक टेम्पलेट को डिफरेंट फॉर्म्स में सेव कर सकते हैं, JPG, PNG एंड इवन PDF, मगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप जो चेंजेस करते रहेंगे वो आपकी ऑटोमेटिकली सेव होती रहेंगी, मगर गैलरी में आपका टेम्पलेट तब ही सेव होगा जब आपका इंटरनेट होगा। तो सबसे पहले अपना इंटरनेट ठीक करते हैं। यहाँ आपके प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं।
जब तक आपका डिज़ाइन सेव ना हो स्क्रीन एग्जिट ना करें। Thank you.